हेलो एवरीवन, दिस इज सपना। आज मैं हूँ आपके साथ एक मल्टीपर्पस कंपोस्ट लेकर। नीम की खल, नीम की खल नीम की निम्बोलियों को सुखाकर क्रश करके बनाई जाती है। ये एक मल्टीपर्पस कंपोस्ट है और साथ साथ में एक कंप्लीट ऑर्गेनिक मैन्योर भी है। ये हमारे प्लांट में पेस्ट कंट्रोल करती है, जैसे कि आपकी प्लांट में चींटियां, दीमक या वॉर्म्स आ जाएं, जिसकी वजह से वो हमारे प्लांट्स की रूट्स को खराब कर देते हैं, खा लेते हैं, इन सबको ये कंट्रोल करती है। नीम की खल अपने आप में कंप्लीट ऑर्गेनिक मैन्योर है। ये हमारे प्लांट की एनपीके की जरूरत को पूरा करता है। इसके साथ ही अच्छा फंगीसाइड और पेस्ट कंट्रोलर भी है। और देखिए, इसको हम फ्लावरिंग प्लांट्स, वेजिटेबल प्लांट्स में इजीली लगा सकते हैं। देखिए, इससे फ्लावरिंग इंक्रीज होती है, प्लस फ्रूटिंग इंक्रीज होती है, तो इसको हम अच्छे से अपने प्लांट में डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें किस टाइम पर और कितना यूज करना चाहिए। अब हम देखते हैं नीम की खल को यूज करने के तरीके। नीम की खल तीन तरीके से यूज की जा सकती है। द वेरी फर्स्ट मेथड इज कि आप लगभग 12 इंची गमले में एक मुट्ठी नीम की खल ऐसे ही स्प्रेड कर दें और फिर उसकी थोड़ी गुड़ाई करके धीरे धीरे डेली वाटरिंग करें। सेकेंड मेथड इज कि जब हम किसी प्लांट में और भी कोई मैन्योर, जैसे काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट डाल रहे हैं, तो उसके साथ हम अच्छे से मिक्स कर लें। जैसे ये मेरा काउडंग कंपोस्ट है, तो मैं इसके साथ थोड़ा नीम की खल को मिक्स करूंगी और इसमें वाटर ऐड करने के बाद इसको 2-3 डेज के लिए हम ऐसे ही छोड़ देंगे। एटलीस्ट 48 आवर्स के लिए तो हमें छोड़ना ही होगा और फिर से हम इसको मिट्टी में डाल सकते हैं। और इसका थर्ड मेथड है, इसके हम लिक्विड कंपोस्ट बना लें। देखिए, मैंने लिक्विड कंपोस्ट इसका ऑलरेडी रेडी किया हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना है, हमें इसको 1:10 के रेशियो में प्रिपेयर करना है। मतलब अगर आपने 1 लीटर वाटर लिया है तो उसमें 100 ग्राम हमें नीम की खल ऐड करनी होगी। जैसे ये मेरा 50 ml का मेजरिंग फ्लास्क है, तो मैं इसको 2 कप इस पानी में ऐड कर दूंगी और इसे एटलीस्ट 48 आवर्स के लिए एज इट इज रहने दूंगी। आफ्टर द 48 आवर्स देखिए, ये कुछ ऐसा विजिबल होगा। यहाँ पर सारे जो इसके न्यूट्रिएंट हैं एक्टिव हो चुके हैं और इसको हम अच्छे से स्टायर करके मिक्स करके प्लांट्स में एज इट इज डाल सकते हैं। अब हम देखते हैं नीम की खल हम कब और कितने टाइम डाल सकते हैं। वैसे तो इसको 2-3 महीने में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट टाइम जो हम सीड सो करते हैं, मिट्टी तैयार करते हैं, तो हम नीम की खल डाल सकते हैं। सेकेंड टाइम जब प्लांट वेजिटेटिव ग्रोथ लेता है। ये देखिए, मैंने हिबिस्कस की कटिंग रेडी की थी, अब इसमें काफी लीव डेवलप हो गई है, अच्छे से ग्रो हो रहा है, तो इस टाइम पर हम इसको नीम की खल दे सकते हैं, जिसमें इसको कोई पेस्ट अटैक या इंसेक्ट अटैक ना हो और ये अच्छे से हेल्दी ग्रोइंग करता रहे। थर्ड स्टेज जब आपके प्लांट में फ्लावरिंग या फ्रूटिंग स्टार्ट होती है। देखिए, मेरे रोज के प्लांट में फ्लावरिंग होने लगी है, तो इस टाइम पर भी मैं इसको नीम की खल आराम से दे सकती हूँ। और इसमें अब ये फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है, तो मैं इस टाइम पर, इस स्टेज पर भी नीम की खल डाल सकती हूँ, तो इसके सारे न्यूट्रिएंट्स एक्टिव रहेंगे और इसको और फ्लावरिंग प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके से नीम की खल यूज करके हम अपने प्लांट की पेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं, पैदावार बढ़ा सकते हैं।